आप सबको याद होगा अभी बहुत दिन नहीं हुए कुछ ही दिन हुए विधानसभा में मुख्यमंत्री जब उत्तर दे रहे थे चर्चा का तो उन्होंने एक सवा घंटे में कम से कम दस बारह बार शिवपाल जी का उल्लेख किया शिवपाल जी भी थे सदन में अखिलेश जी भी थे क्या तारिक खान यू ही नहीं किया कि कोई चकलस का कार्यक्रम चल रहा था ना ना और उन्होंने एक्यूप्रेशर किया एक्यूप्रेशर जानते निर्धारित बिंदुओं पर प्रेशर देना निरिल से जहां से स्नायु तंत्र जुड़ता है बोले ये दबाओ तो ब्रेन ठीक होगा ये दबाओ तो लीवर दबाया कि नहीं दबाया हर बार उनने कहा कि चाचा आपकी कदर नहीं है उधर कदर नहीं जानेंगे कभी जानी नहीं और अंत में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 24 से पहले फैसला कर लो चाचा नहीं 24 के बाद फैसला करने लायक भी नहीं बचोगे क्या तो एक बात जान लो ओम प्रकार राजभर के पास ब्लैंक चेक है कि नहीं है मुझे अभी पता करना पड़ेगा आ, 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 आलोक जी की पार्टी में धारा चौहान के पास है कि नहीं है पता करना है। लेकिन शिवपाल सिंह यादव के पास है प्लैंक चेक ये मैं नहीं कह रहा ये तो मुख्यमंत्री ने ऑन रिकॉर्ड कह दिया सदन में कि आपकी प्रतिष्ठा आपका संघर्ष हम जानते आपका मूल मोल हम जानते हैं चौबीस से पहले फैसला कर लीजिए अब इससे बड़ा ऑफर क्या हो सकता है नहीं ये सेल ही लगा दी मुख्यमंत्री ने कि हां बोलो आ जाओ तो ये जान लीजिए भाई साहब चाचा भी जानते हैं कि अनंत काल तक प्रतीक्षा नहीं हो सकती और जैसे नेताजी को अखिलेश जी प्रिय रहे वैसे ही शिवपाल जी को अपने पुत्र प्रिय होंगे तारिख खान इसमें तो कोई गलत बात नहीं क्या वो क्या करेंगे वो जसवंत नगर मोहल्ला सुधार कमेटी में रहेंगे लड़के और बाकी लोग लाल वक्ति में घूमेंगे तो वो काय को रहेंगे मैं तो बड़ी खरी बात कह रहा हूं भाई ठीक इसलिए सत्य संगठन की सत्ता में हिस्सेदारी करनी होगी आज करो चाहे कल करो करनी तो होगी नहीं तो शिवपाल यादव को वहां रहने में फिर क्या लाभ जब वो नेता विपक्ष भी नहीं पार्टी के अध्यक्ष भी नहीं प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं तब क्या है चाचा बोले जो नंदा किरण में नंदा भी उनसे ऊपर है क्या बताइए अब नंदा कोई जान रहा जल जलेसर में नहीं ना नंदा कुमार लोग घोसी भेज देते तो क्या होता कहीं दो वोट भी नहीं मिलता उनके कहने से तो शिवपाल जी भी समझ रहे हैं तेल की धार देख रहे उनके पास एक प्रस्ताव मुख्यमंत्री का है और बड़ा प्रस्ताव है क्या और चौड़े में आया हुआ प्रस्ताव अखिलेश जी भी थे क्या एक चीज इसलिए ये सब हिपोक्रेसी है कि नहीं नहीं देखिए सब चाचाई का है नहीं चाचा भी कहेगी भाई सब नहीं चाहिए हमारे नाम अलर्ट कर दो किसी आदमी से आप ये कहो पूरी ट्रेन आपकी है लेकिन उसको बर्थ नंबर नहीं बताओ तारीखन खान तो कहां बैठेगा अरे बर्थ नंबर बताओ यार पूरी ट्रेन का क्या करेंगे हम क्या एस वन में चौदह नंबर बर्थ ऐसा बोलो ना सो कहीं रे करे पूरी ट्रेन आपकी है जहां बैठ जाओ और जहां बैठ जाएंगे वहीं जा, 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 डंडा चलेगा बोली या क्यों बैठ गए ये तो हमारी बर्थ क्यों वो नहीं बता रहे ये मसला है एक दूसरी बात मैं कहूंगा आलोक वर्मा की पार्टी कुछ भी गोल गोल बातें करे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं दोनों का मिजाज जानता हूं दारा चौहान का भी और ओम प्रकाश राजभर का भी बड़ी दृढ़ता बड़ी ईमानदारी से मैं कहूंगा संघ क्या कह रहा दिल्ली क्या करे लखनऊ क्या करे छोड़ो इन दोनों के पास इतना धैर्य नहीं है अरविंद जी जान लीजिए क्या और ये भी जानते हैं कि मुहूर्त निकल जाने के बाद कौन पूछता है इस राजनीति में क्या चौबीस के बाद कौन फोन उठाएगा किसका अरविंद जी ये भी जानते हैं बौरत हो रही ना है जब दारा सिंह चौहान काशी राम को गच्चा देके आए थे क्या तारिखान खान सुन लीजिए एक आपकी पार्टी की है घटना कभी जीवन में आपके काम आएगी जब आप उस स्थिति में नेता बन जाएंगे कि आप अपने बारे में कोई डील करने जाओ तो ये सब चीजें आपके दिमाग में होना चाहिए राजनीति में कैसे होता है तो अरविंद भाई मुलायम सिंह जी ने इनको कमिटमेंट कर दिया दारा सिंह को कि तुम आ जाओ उधर गच्चा दे दो इधर आ जाओ राज्यसभा दे देंगे जब राज्यसभा देने की बात आई तो उस वक्त राज्यसभा में ये रामगोपाल जी मुलायम सिंह यादव आजम खान और शिवपाल ये बैठ के तय कर देते थे राज्यसभा क्या तो सब लोग खिलाफ बोला नहीं धारा सिंह को राज्यसभा क्यों देंगे एमएलसी दे दो मुलायम सिंह ने कहा कि अगर इसको दारा सिंह को नहीं दिया तो अब्बल तो ये ददीची नहीं है कि त्याग कर देगा क्या बवाल कर देगा और दूसरी बात ये हमारी जवान की कीमत क्या रहेगी बाजार में फिर हमारे टेलीफोन करने से कोई दूसरा नहीं आएगा ना फिर कभी सपा में वो कहेगा भाई जो वादा किया था वो निभाया नहीं तो आलोक बाबू वादा भी बड़ी चीज होती है क्या और ठीक कह रहे थे अरविंद जी उन्होंने कहा कि भाई वचन दिया गया होगा मैं अपनी जानकारी से एक बात कहता हूं यह प्रश्न आया था कि भाई अगर चुनाव है चुनाव मान लो हार गए तब हमारा क्या होगा अरविंद जी तो दारा सिंह चौहान से कहा गया अरे कैसी बात करते हो आप और हार जाओ भैया की बात है घोषिम खड़े हो जाए पचास सात लाख वोट से जीतोगे आप छोटे नेता हो क्या लो लो बर्फी खाओ क्या अब अगला कहे तो कहे क्या बर्फी उसके मुंह में डाल दी दो पीस क्या बोले हाँ चलिए नमस्कार 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 क्या यही बात ओम प्रकाश जी भी पूछे थे कि हमारा क्या होगा अरे बोले आप बताइए एक तो धारा सिंह खुद में बड़ा नाम पर आप खड़े हो जाओगे हार फार की बात मत करो भैया आपके खड़े होने पर से तो सीट निकल रही है क्या सब अच्छा होगा अब परिणाम आ गया दूसरा क्या तो क्या करें इसलिए यूं ही नहीं ओम प्रकाश राजभर ये बोले कि करेजा फट जाएगा वो जान रहे हैं कि अगर ज्यादा दिन मौन रहा तो बेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाऊंगा और राजनीति में बेटिंग कितनी लंबी हो जाए कुछ नहीं कह सकते लोगों की जवानियां कट गई बेटिंग में तो जो बुढ़ापे में है वो बेटिंग कैसे मान लेंगे वो तो कह रहे ना भैया चार्ट में हमारा नाम दिखाओ रिजर्वेशन में क्या कौन से डिब्बे में कौन सी सीट है अरविंद जी गलत तो नहीं कह रहा सपा को सत्ता का बंटवारा करना होगा और भाजपा के साथ एक सवाल खड़ा होगा केवल ये मामला सुभपा का या उंदारा सिंह का नहीं है देशभर में भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है छोटे छोटे जिले और मंडलों की जो पार्टियां हैं जाति आधारित दल हैं, उनके साथ बीजेपी कहीं ना कहीं अलायसेस में जाती है राज्यों में वो भी टकटकी लगा के देख रहे हैं कि राजभर के साथ क्या होता है क्या अगर राजभर को दलेबी मिल गई दूध में तो वो मानेंगे ना बीजेपी को परिणाम कुछ है जो कहती है वो कर देती है क्या और नहीं मिली तो छोटे दल भिदक जाएंगे बाकी राज्यों में भी क्या वो कहेंगे भाई ये तो जेलर टाइप का मामला है अगर रिजल्ट नहीं आया तो फिर ये बिस्किट भी नहीं देते खाना छोड़ो ये भाजपा को भी इस बात को दिमाग में रखना होगा राजभर केस एक टेस्ट केस है छोटे दलों के लिए वो इस बात पर नजगार लगाए हैं कि देखे राजभर के साथ क्या होता है या दारा चौहान पार्टी छोड़कर आए थे इस अपनी सीट से इस्तीफा देके लड़े चुनाव उनके साथ क्या होता है तो पुनर्वास तो उनका भी करना पड़ेगा अपने वचन को महत्वपूर्ण बनाए रखने के लिए जैसे मुलायम सिंह को दारा सिंह चौहान को परिवार की इच्छा के विरुद्ध राज्यसभा भेजना पड़ा था सिर्फ इसलिए कि मेरा कहा महत्वपूर्ण रहे इसलिए आने वाले दिनों में ये दोनों घटनाएं दोनों पार्टियों के अंतपुर के समीकरणों को प्रभावित करेंगी दिल्ली लखनऊ का भी मसला फंसेगा ओम प्रकाश राजभर को दारा सिंह को मंत्री बनाने के मसले में वो भी भाजपा को हैंडल करना होगा और सपा के आंगन में अखिलेश यादव के बाद सबसे ताकतवर व्यक्ति के रूप में कुछ ठोस शिवपाल यादव को देना होगा और उनके कुछ लोगों का पुनर्वास करना होगा मुझे नहीं लगता कि इससे कम पर कोई बात बनेगी दोनों पार्टियों को इस संतुलन बैठाना होगा धन्यवाद